हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सब जाए, मैं और खालिद मकबूल भाई अकेले बैठते हैं वहां पर भादराबाद में और फिर हम फैसला करते हैं कि अब किसको लाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई एडहॉक कमेटी बनानी है, ये भी तहलील वो भी तहलील। ये तकिए के नीचे से आइन को निकालो भाई। फारूक सत्तार खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मिलकर नई राबता कमेटी बनाने पर तैयार। दोनों कमेटियां तहलील करने की तजवीज। मसला अदालतों और इलेक्शन कमीशन में हल नहीं करना चाहता, मुतहदा रहनुमा का कराची में खिताब। दिल मिलने लगे गर्मा गर्मी के बाद नरमी। मुतहदा पीआईबी के रहनुमा कामरान तिसोरी की बहादराबाद आमद। आमिर खान ग्रुप से मुलाकात में मुफाहमती फार्मूला पेश। सालसी कमेटी बेखबर, तजवीज का जवाब फारूक सत्तार को भेज दिया। फैसल सब्जवारी की गुफ्तगू। अगर किसी कुएं में कोई कुत्ता गिर जाए और मर जाए तो बार बार उस कुएं का पानी साफ कर देने से पानी साफ नहीं होगा। जब तक उस कुत्ते को नहीं निकालोगे, जब तक इस शहर से एमक्यूएम को नहीं निकालोगे, तुम्हारे हालात ठीक नहीं होने वाले। मुतहदा पर बड़ा वार, कुएं की तरह सफाई पर इसरार। कराची वालों के पास पीएसपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्तफा कमाल का कराची में कारोबारी अफराद से खिताब। इमरान फारूक कत्ल केस में एफआईए का बड़ा इकदाम। मुतहदा बानी को 30 दिन में पेशी के लिए बैन-उल-अक़वामी अखबारात में इश्तहारात शाया करा दिए गए। अदम हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। हामिद खान और जहांगीर तरीन एक दूसरे से नफरत करते हैं। नईम बुखारी ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम महाज में पार्टी रहनुमाओं के अख्तलाफात की तस्दीक कर दी। ऑफशोर कंपनियों का शोर, नैब ने तहकीकात तेज कर दी। पीटीआई रहनुमा अलीम खान की आज लाहौर ऑफिस में तलबी। आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन की तहकीकात। अहद चीमा के निशानदही पर गिरफ्तार शाहिद शफीक को आज एहतसाब अदालत में पेश करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डीएमजी अफसरान को हड़ताल से रोक दिया। सरकारी सरगर्मियां बहाल और मामूल के मुताबिक ड्यूटियां अंजाम देने की हिदायत। कुछ कुवतें नैब को इस्तेमाल कर रही हैं। राणा सनाउल्ला ने खदशा जाहिर कर दिया। सिविल ऑफिसर्स ने कोई हड़ताल नहीं की, अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। सूबाई वजीर कानून की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब की नौकरशाही का किरदार बेनकाब। शहबाज शरीफ की पैनामा लीक सब मंजरे आम पर आ गई। मेट्रो और ऑरेंज लाइन मंसूबों के मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं, इमरान खान का मुतालबा। वक्त आने वाला है, आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। चारों सूबों के वज़रा आला और गवर्नर्स भी जाले होंगे। आसिफ अली जरदारी ने बड़ी पेशगोई कर दी। अदनान पाशा झूठा, वालिद के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम और झगड़े का दावा दुरुस्त नहीं। कराची का जीशान शानी मंजर आम पर आ गया। पुलिस के सामने पेश होने पर रजामंद। पहली बात तो ये कि झूठ नहीं बोल रहा। ये है देख शारा है फैसला सामने ना, तो इधर आके फायर मार के दिखा है। बुला लो उसे। मैंने किसी भी गवर्नमेंट इदारे या रेंजर्स या पुलिस किसी को भी चैलेंज नहीं दिया। कराची का शेर बकरी बन गया। नई वीडियो में गलती का एतराफ। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक अदनान पाशा को गिरफ्तार करने में नाकाम। दो साले और दो दोस्त धर लिए गए। ये मेरे सारी अचीवमेंट्स हैं और ये मेरे एजुकेशनल रिकॉर्ड, ये मेरे सर्टिफिकेट हैं, लेकिन इस टाइम ये मेरे लिए सब टोटली वेस्ट है। डिग्रियों का अंबार लगाकर भी सूप और चाय का कारोबार।
एमएससी जियोलॉजी करने वाला सिफारिश न होने के बायस नौकरी से महरूम। आजाद कश्मीर का उस्मान अब भी रोशन मुस्तकबिल के लिए पुर उम्मीद। आमिर खान ऑफ मुल्तान मर्दे मैदान, रुस्तम जमा गामा पहलवान की फाइनल फाइट में फतह, शहबाज शिकस्त से दो चार। सबसे पहले आपको बताएं मुत्तहिदा के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने पीआईबी और बहादुराबाद राबता कमेटियां तहलील करने की तजवीज दे दी है। कराची में एक पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो और खालिद मकबूल सिद्दीकी मिलकर नई राबता कमेटी बना सकते हैं। मसला अदालतों और इलेक्शन कमीशन में हल नहीं होना चाहिए। फारूक सत्तार खालिद मकबूल के साथ मिलकर नई राबता कमेटी बनाने पर है तैयार। दोनों राबता कमेटियां तहलील करने की तजवीज सामने आई। ये भी कहा फारूक सत्तार ने कि मसला अदालतों और इलेक्शन कमीशन में हल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी अब वो घटती दिखाई दे रही हैं। मुत्तहिदा के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने पीआईबी और बहादुराबाद राबता कमेटियां तहलील करने की तजवीज दे दी। कराची में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो और खालिद मकबूल सिद्दीकी मिलकर नई राबता कमेटी बना सकते हैं। खुद ही सरबरा को फारिग किया और खुद ही कोई डिप्रेशन भी है तो क्यों फारिग किया भाई? बच्चों टुक टुक करके बैटिंग करेंगे लेकिन चार दिन तक तुम बॉलिंग कराते रहोगे, तुम्हारी बैटिंग नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि या तो कैलकुलेट कर देते कि ये कहां तक मामला जाएगा। मौजूदा राबता कमेटी के साथ मैं कैसे सरबराही करूंगा कि जहां एहतसाब नहीं हो सकता। बैलेंस होना चाहिए राबता कमेटी में। मेरे लिए कोई खुशी का मौका थोड़ी है, ये सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे हाथ के बनाए हुए हैं। फैसल भाई, हैदर भाई, वसीम अख्तर उम्र में बड़ा जरूर होगा वसीम अख्तर, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अलग वो अलग, मेरी कोई अना है? अब इन्हें आईन पढ़ा दिया किसी ने? 35 साल में किसी ने आईन नहीं पढ़ा। अब रोजाना तकिए के नीचे आईन रखकर सोते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई बैलेंस लाए, बैलेंस तवाजन राबता कमेटी में। 35 यहाँ है, 24 मान लेते हैं आपके पास, वो 25 खालिद मकबूल भाई को मैंडेट दे दें, ये 35 फारूक सत्तार भाई को मैंडेट दे दें, बाकी सब आराम करें, अपने घर जाएं, फिर खालिद भाई और मैं मिलके देख लेंगे अब आगे हमें पार्टी किस तरह चलानी है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, 2018 के इलेक्शन को कैसे लड़ना है। मैं और खालिद मकबूल भाई, बताइए ये फार्मूला काम का है या नहीं है? सारी राबता कमेटियों को फारिग कर दें, अवाम में जाओ, कारकुनों में जाओ और अवाम में काम करो, इससे अच्छा कोई फार्मूला हो सकता है? सब जाएं, मैं और खालिद मकबूल भाई अकेले बैठते हैं वहाँ पर बहादुराबाद में और फिर हम फैसला करते हैं कि अब किसको लाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई एडहॉक कमेटी बनानी है, ये भी तहलील वो भी तहलील, ये तकिए के नीचे से आईन को निकालो भाई। मुझे आज मौका मिला कारकुनों के साथ बैठने का, बहनों के साथ बैठने का, उनमें एक मेरी बीवी भी है। अगर मैंने इस बात को अलग से नहीं बताया तो जमात इस्लामी वाले भी छुरियां तेज कर रहे हैं, किसी वक्त भी फतवा आ सकता है। मैं पार्टी बजाने जा रहा हूँ, वहाँ मेरा निकाह ही कटाई में पड़े हैं। तो गर्मा गर्मी के बाद नरमी आने लगी है। मुत्तहिदा पीआईबी के रहनुमा कामरान टिसोरी ने दोनों राबता कमेटियां तोड़ने का मुफाहमती फार्मूला लेकर बहादुराबाद का दौरा किया है। आमिर खान और दीगर रहनुमाओं को फारूक सत्तार का पैगाम भी पहुंचा दिया है। तो गर्मा गर्मी के बाद लग ऐसे रहा है कि अब नरमी आने लगी है। मुत्तहिदा पीआईबी के रहनुमा कामरान टिसोरी, जिनकी वजह से ही काफी मामला बिगड़ गए थे, आज वो दोनों राबता कमेटियां तोड़ने का मुफाहमती फार्मूला लेकर बहादुराबाद पहुंचे हैं। आमिर खान और दीगर रहनुमाओं को फारूक सत्तार का पैगाम भी पहुंचा दिया। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि आज पहली बार पीआईबी कॉलोनी से वफ्द आया था, राबता कमेटियां तहलील करने की कोई तजवीज जेरे गौर नहीं, अपना जवाब फारूक सत्तार को भेज दिया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुफाहमत और बातचीत का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। बहरहाल आज पहली बार पीआईबी कॉलोनी से फारूक सत्तार भाई की नुमाइंदगी वफ्द यहाँ पर आया है, तो बातचीत की है हमने, बहुत एहतराम से उसको सुना भी गया
اور اپنی دانش میں یہاں رابطہ کمیٹی نے جن نکات کو مناسب سمجھا وہ فاروق بھائی کے پاس بھیج بھی دیے ہیں. ہم دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور تیار ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ہی مفاہمت کا دروازہ بند کر دیں, بات چیت نہ کریں؟ دونوں رابطہ کمیٹی تحلیل کر کے دوبارہ مشاورہ سے بنائی جائے. نہیں, اس طرح کی کسی کوئی تجویز پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں. دوسری جانب پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جب تک کراچی کے کنویں سے ایم کیو ایم کا کتا نہیں نکلے گا مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. دو سال پہلے سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوا کرتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ دن کے وقت مہاجروں کا نعرہ لگانے والے رات کو رنگ رلیاں مناتے ہیں. پی ایس پی کے سوا کراچی والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں. وہ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ہماری کہی بھی ساری بات ایک ایک کر کے میرا رب صحیح ثابت کرتا چلا گیا, صحیح ثابت کرتا چلا گیا. تو ان تمام باتوں کے بعد آج آپ بتائیے کہ ہمارے علاوہ, پی ایس پی کے علاوہ کراچی والوں, تمہارے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر کسی کنویں میں کوئی کتا گر جائے اور مر جائے تو بار بار اس کنویں کا پانی صاف کر دینے سے پانی صاف نہیں ہوگا جب تک اس کتے کو نہیں نکالو گے. جب تک اس شہر سے ایم کیو ایم کو نہیں نکالو گے تو نہیں ہونے والے. اور کل تک کے شیر کی بات کر لیتے ہیں جو بکری بن گیا. تو کراچی کا شیر بکری بن گیا, نئی ویڈیو میں غلطی کا اعتراف کر لیا. لائسنس یافتہ اسلحہ ہے, ہوائی فائرنگ کی, کسی کا قتل نہیں کیا, ایسا کہنا ہے عدنان پاشا کا. پولیس عدنان پاشا کو اب تک گرفتار کرنے میں ناکام ہے اور پولیس نے عدنان پاشا کے دو سالے اور دو دوست بھی دھر لیے ہیں. الزامات کی زد میں آنے والا ذیشان سعید بھی سامنے آ گیا ہے اور عدنان پاشا کو جھوٹا قرار دے دیا. ایسے میں پولیس کے سامنے ہونے پر بھی رضامند ہے. والد کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام درست نہیں ہے, یہ کہنا ہے ذیشان سعید کا. میرا نام ہے عدنان پاشا. ارے پاشا, شانی کو دینی تھی پریشانی اور پولیس نے یاد دلا دی نانی. کراچی کی شارہ فیصل پر شیر بننے والا بکری بن گیا. نئے ویڈیو بیان میں عدنان پاشا کا کہنا ہے کہ ذیشان سعید نامی شخص سے اس کا ذاتی جھگڑا ہے. یہ باتیں ذیشان سعید اور شانی کے لیے کی تھی. میرا اپنا ذاتی مسئلہ تھا ذیشان سعید نامی بندے کے ساتھ, عرف شانی کے ساتھ. والد صاحب کے قتل میں وہ ملوث ہے اور یہ وہ, تو وہ ایک اپنی بات چل رہی تھی جس پہ میں اس کو یہ باتیں بول رہا تھا. دوسری جانب ذیشان سعید اور شانی بھی منظر عام پر آ گیا, جس کا کہنا ہے کہ الزامات بے بنیاد ہیں. عدنان پاشا نے جو بھی بیانات دیے ہیں وہ خیر قانون جانتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آئے مجھے پروف کرے کہ میں مرڈر کر چکا ہوں یا انوالو تھا, واٹ ایور, پر میرا اس مرڈر سے بھائی کوئی تعلق نہیں ہے, کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. 9 سال پہلے ان کا مرڈر ہوا تھا, عدنان پاشا بہت چھوٹا تھا. بس جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہے, نشے میں کیا, جو بھی کیا, واٹ ایور, وہ سب عوام کے سامنے. بہادر آباد پولیس نے عدنان پاشا کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا, جس میں ہوائی فائرنگ اور دھمکیاں دینے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. پولیس نے عدنان پاشا کے دو سالے اور دو دوست بھی حراست میں لیے, جنہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش کی جا رہی ہے. عدنان پاشا کا کہنا تھا کہ اس کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے, صرف ہوائی فائرنگ کی, کسی کا قتل نہیں کیا, میری فیملی کو دھمکیاں مل رہی ہیں. ساتھی رپورٹر فیصل شکیل کے ساتھ بابر سلیم, دنیا نیوز, کراچی. پنجاب کا رخ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں احد چیمہ کی گرفتاری کے معاملے کی. چیف سیکرٹری پنجاب نے ڈی ایم جی افسران کو ہڑتال سے روک دیا ہے. چیف سیکرٹری سے افسروں کے 11 رکنی وفد نے ملاقات کی اور چیف سیکرٹری کی تمام افسران کو معمول کے مطابق ڈیوٹی دینے کی ہدایت سامنے آئی ہے. مزید کیا بات چیت ہوئی جان لیں گے دنیا نیوز کے نمائندے حسن رضا سے. جی حسن بتائیے گا. جی بالکل, کل چیف سیکرٹری پنجاب ظاہر سعید جو ہے دو روز قبل سی بی کی سربراہی میں کمیٹی میں اجلاس ہوا تھا اور سی بی کے حکم پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری مرسول نے احتجاج کیا تھا اور تالے لگائے تھے. اور اب جب انہوں نے کل پھر جو ہے آج یعنی احتجاج کی ہڑتال کا ہڑتال 2 گھنٹے کا اعلان کیا تھا, تو اس پر جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام افسران کو بلایا اور 11 رکنوں جو ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا افسر تھے, جس میں عمر رسول, سفران عزیز خواجہ, اڈیشنل چیف سیکرٹری سی این ڈبلیو مشتاق احمد, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بریسٹر نبیل اوان, نجم شاہ علی جان سمیت دیگر افسران شامل تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم علامتی ہڑتال ضرور کریں گے, جس پر چیف سیکرٹری نے ان کو حکم دیا کہ اب نہیں کر سکتے, وہ بہت ہوگی, اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے. ہم نے جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے
जिस सर्विस में हम आए थे ना उसको मद्देनजर रखते हुए देखने चलना चाहिए। कानूनी तकाजे पूरे करने और फ्राइज मनसबी सर अंजाम देने की हिदायत की है उन्होंने। और चीफ सेक्रेटरी जाहिर सईद ने यह भी हुक्म दिया कि तमाम अफसरान अपनी अपनी ड्यूटी मामूल के मुताबिक अदा करें और जो बाकी मामला है वो कल जो है दोबारा 12 बजे इजलास बुलाया गया GOR1 में, वहां पे जो है टाइम निकाल के वहां पे कुछ अफसरान जो आना चाहते हो वो आए, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा और इस इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। जब शुक्रिया हसन रजा, आपने अपडेट किया।